Good morning, friends. Welcome back to Digital Platform of Online Study at Dial Harbour. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने फंक्शंस वाले पोर्शन पे बात कर रहे थे। लास्ट टाइम पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। हमने शुरू में भी बताया था फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा लाइब्रेरी फंक्शंस। हमने दोनों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे जो हम लोग बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या पहले से जो बड़े बनाए लाइब्रेरी फंक्शन है, ये भी कई अन्य प्रकार के होते हैं और वो कौन से हैं उसको हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलिए जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो हम अपने फंक्शन को अलग अलग कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अ फंक्शन दैट रिटर्न्स सम वैल्यू, और दूसरा अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। पहला क्या है? ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, और दूसरा क्या है? ऐसा फंक्शन जो वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। ध्यान रहे, नोट करके आप समझ लीजिए, लिख भी लीजिए। अ फंक्शन कैन रिटर्न मैक्सिमम वन वैल्यू ओनली। क्या लिखा हमने? कोई भी फंक्शन अधिकतम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अधिकतम, न्यूनतम जीरो, अधिकतम एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। क्लियर? फंक्शन कभी भी एक से अधिक वैल्यू नहीं रिटर्न कर सकता। और इस हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन दो प्रकार के हुए। एक वो जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और दूसरा एक ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन का रिटर्न टाइप बताते हैं ना, इंटीजर रिटर्न कर रहा है या फ्लोट कर रहा है या कैरेक्टर कर रहा है। तो जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है हम बताते हैं उसका डेटा टाइप, है ना। बट अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वहां बताते हैं void। क्या बताते हैं? void means What is? Nothing या कुछ है। जब वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो उसका डेटा टाइप भी नहीं होगा। तो हम ऐसी जगह पर क्या लिखते हैं? void। देखिए मेन के पहले void लिखते थे ना, लिखते थे, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है और वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, इसलिए void। तो अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो उसके पहले लिखेंगे void, डिक्लेरेशन में भी, डेफिनेशन में भी। और अगर वो रिटर्न कर रहा है तो हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए। इफ अ फंक्शन
फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू वी मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू. अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप के रूप में बताते हैं. ठीक है ना. जैसे अभी ध्यान दीजिए, हमने बताया फ्लोट, सिंप इंट, ऐसे ही लिखा था ना, और यहां लिखा था इंट कॉमा, ये प्रोटोटाइप था उसका, डिक्लेरेशन था. हमने बताया था सिंप इंट एक फंक्शन है जो आपसे तीन इंटीजर ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, एक डेटा रिटर्न कर रहा है जो किस टाइप का है, फ्लोट. तो ये उसका रिटर्न टाइप हुआ, और अगर रिटर्न कर रहा है तो ये बताना आवश्यक है. तो ये किस टाइप का हो गया, अ फंक्शन व्हिच रिटर्न्स सम. तो अभी कल भी हमने जितने एग्जांपल कराए थे वो सब कैसे थे, फंक्शन व्हिच रिटर्न्स सम. कभी कभी हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कभी कभी हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो हम उसको बताते हैं void. ठीक है ना. यहां पे इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू वी स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप एज void. अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसके रिटर्न टाइप में हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं, void. जैसे मेन में करते थे एग्जाम्पल, हम लोग लिखते हैं ना void main, और ये स्टेटमेंट जो है, तो यहां पे इसका मतलब मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे. आप ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे. उदाहरण के लिए जो अभी हमने आज आपसे डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसको हम अगर बनाना चाहते हैं इस टाइप का. अभी हमने कैसा बनाया था, पहले टाइप का वो रिटर्न कर रहा था, अब हम क्या चाहते हैं वैल्यू रिटर्न ना करे. वही फंक्शन ऐसा बनाए जो वैल्यू रिटर्न ना करे, तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं. एग्जाम्पल देखा जाए, चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फंक्शन बनाते हैं. और अब की बार जो फंक्शन बनाएंगे वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. देखिए जब वैल्यू रिटर्न करते हैं तो कहां जाता है वो वैल्यू, मेन फंक्शन में, जहां से कॉल किया गया था वहीं पे जाता है ना. फिर वहां पे हमें क्या करना पड़ता था, उसको रिजल्ट को प्रिंट करना पड़ता था. फंक्शन कॉल करने के बाद क्या करना पड़ता था, जब हमें वापस कुछ दे ही नहीं रहा है तो क्या करें, आउटपुट तो फिर भी दिखाना है ना यूजर को, तो क्या करें, हम फंक्शन के अंदर ही उसको प्रिंट करवाते रिजल्ट को, तो भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. क्यों भाई, समझ में आ रही बात, वही करते हैं हम लोग. अब यहां पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया किस टाइप का, जरा देखो
void sim int, और इसको हम पास कर रहे हैं तीन इंटीजर, ठीक है ना। और यहां पर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए, अमाउंट, रेट एंड टाइम के लिए। इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं, इनपुट कराते हैं प्रिंटर, एंटर अमाउंट रेट एंड टाइम, स्कैनर परसेंट डी अमाउंट रेट टाइम। अच्छी आदत। अब फंक्शन कैलकुलेट करना है तो फंक्शन को कॉल करें, कैलकुलेट करना है तो फंक्शन का नाम क्या है, सेम इंट वर्ड रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम क्या है, और इसको हम पास क्या करेंगे, अमाउंट रेट और टाइम, ए एम टी आर टी टाइम। अब देखिए ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ लौटाएगा तो नहीं, जब लौटाएगा नहीं तो कुछ स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वर्ड है तो इसलिए यहां पे हम लोग जो इक्वल्स टू लिखते थे SI equals to, वो करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब रिटर्न करेंगे तब ना स्टोर करेंगे, जब रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो हम लेंगे कहां, कोई जरूरत नहीं है। अब इसने हमने फंक्शन को कॉल किया, जब ये रिटर्न नहीं करेगा तो इसका मतलब इसको रिजल्ट को इसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम मेन का खत्म हो गया, गेट सी एच, और ये मेन खत्म हो गया। अब हमारा फंक्शन कैसे बन जाएगा, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड, नाम क्या है, सिम इंट, और ये आपसे ले रहा है ए डी और सी, और यहां पर हमने फ्लोट टाइप का निर्णय लिया आई, और क्या लिखा, आई बराबर अमाउंट रेट और टाइम बटे 100। कैलकुलेट हो गया। अब चूंकि हमें रिटर्न नहीं करना है तो हम यहीं पे प्रिंट करेंगे। देखिए फर्क क्या आ गया, वहां पे रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, चूंकि रिटर्न नहीं करना है तो रिजल्ट तो हमें फिर भी यूजर को दिखाना है ना, तो उसको यहीं पे प्रिंट करा लेंगे। क्या लिखे, प्रिंटर सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट एफ, काम खत्म, यहां पे रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया, सबकी समझ में आया, वेरी गुड। जैसे हमने फंक्शन बताया दो प्रकार के हुए रिटर्न टाइप के हिसाब से, एक जो रिटर्न करता है और दूसरा जो रिटर्न नहीं करता है ना। फर्क क्या हुआ, जिसमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को उसी के अंदर उसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हमारे फंक्शन दो प्रकार के और हो सकते हैं, एक जो आपसे आर्गुमेंट लेता है और एक जो आपसे आर्गुमेंट नहीं लेता। एक ऐसा फंक्शन जो आपसे आर्गुमेंट लेता है, जैसे यहां पर देखिए ले रहा है आपसे, कितने आर्गुमेंट ले रहा है, तीन। और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन हमसे कोई आर्ग्यूमेंट ना ले, जैसे मेन में देखिए आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो दो तरह के फंक्शन और हुए, कौन कौन से, फंक्शन विच एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट और दूसरा फंक्शन विच डू नॉट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। तो हमारे पास दो प्रकार के फंक्शन और हुए, नंबर वन फंक्शंस दैट accept arguments
ऐसे फंक्शन जो आपसे एक या एक से अधिक आर्गुमेंट ले रहे हैं, और दूसरा फंक्शंस दैट डू नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, फंक्शन दैट डू नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, वो फंक्शन जो आपसे आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और वो फंक्शन जो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। जैसे ये फंक्शन, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पहले वाले का, जो आपसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब हमने बताया था फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, वाइड बता रहे थे, और दूसरा उसका रिजल्ट हम चूंकि भेज नहीं पा रहे तो वहीं पे प्रिंट कर देते हैं। अब या अगर आपको भूख लगी है तो खाना खाओ बाहर जाके, या बाहर से खाना लेकर के अपने घर आ जाओ वहां पे खाओ। अगर मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता और भूख लगी है और घर पे मम्मी नहीं है, तो आपके पास दो रास्ते, ऑर्डर करके घर मंगा लो खाओ, दूसरा जाके वहां खाओ। बोलो भाई, सही है ना। तो जब रिटर्न नहीं कर रहा तो वहीं जाके खा रहे हो, और जब पहला वाला था जो घर बना के खा रहे हो। यहां पे क्या रहा था, हम लोग अगर नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट डेटा तो चाहिए उसको काम करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जब ए और बी और सी नहीं मिलेगा वहां से, तो हम ए और बी और सी को क्या करेंगे, यहीं पे इनपुट करा लें, क्या करें, इनपुट फंक्शन के अंदर ही करा लें। समझ में आया कि नहीं, कैसे काम करेंगे, अगर हमारा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तब तो ऐसे होगा, अगर हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको तीन वैल्यू तो चाहिए ही, तो क्या करें, यहीं पे इनपुट, वो यहां पे इनपुट करा रहे थे उसको कहां करा लें, फंक्शन के अंदर, काम खत्म। समझ में आया लॉजिक क्या है। हम इसी प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस कर देते हैं, इधर देखिए, हमने क्या बताया, एक फंक्शन है सिंप इंट, फंक्शन है, और ना तो ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना कुछ ले रहा है, सिंपल, ना तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वॉइड है, ना कुछ ले रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर में वॉइड लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना ज्वाला। तो हम आपको अगर लिखना है तो रिटर्न, अर्थात ये आपसे कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्लियर। अब चूंकि हम क्या करने वाले हैं, इनपुट यही कराएंगे, तो यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, यहां पे हम कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे, प्रिंट नहीं कराएंगे, तो यहां पे कुछ वेरिएबल चाहिए ही नहीं रिटर्न टाइप के लिए भी। सिंपली से अलग किया, और आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया सिंप इंट, गेट सी एच, काम खत्म। अब सारा काम कहां करेंगे, फंक्शन के अंदर। अब देखो वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, सिंप इंट और वॉइड। अब यहां पे हमें तीन डेटा चाहिए, तो इनपुट यही करा लेंगे, यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, आईएनटी अमाउंट, आईएनटी रेट, आईएनटी टाइम, और फ्लोट टाइप का इंटरेस्ट। इनपुट करा लें, प्रिंटर एंटर अमाउंट डेट एंड टाइम, स्कैनर परसेंट डी
%D%T%AT%RT%TM F flush STDN और INTR is equals to क्या amount multiplied by rate multiplied by time upon 100. तो ये शिव प्रताप अभी भी ऐसा लिखते हैं, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता। डिवाइड करेंगे क्या लिखेंगे, समझ में आया? ठीक है ना, अगली बार ये गलती नहीं करना। अब यहां पे क्या लिखें, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि रिटर्न नहीं करना चाहिए, प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना, एस परसेंट एफ आई एन टी आर, और ये हमारा फंक्शन। तो जो कुछ मेल में करे तो सारा कुछ यहां पे किया और यहां पे खाली फंक्शन को कॉल किया, सिंपल इजंट इट, समझ में आया? तो ये है हमारा दूसरे टाइप का, हमने आपको फंक्शन टाइप बताया, पहला ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता, तीसरा ऐसा फंक्शन जो एम से आर्गुमेंट लेता है, और दूसरा जो नहीं लेता। इज क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? तो चलो आज हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण बताइए जिससे हमें इम्प्रूव करने में मदद मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।